नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आज एमपी बोर्ड की है जो बैठक होने वाली थी और किस संदर्भ में होने वाली थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा पर 2021 के लिए पूर्व वर्षों के अनुसार प्रश्न पत्र मुद्दल ब्लू प्रिंट एवं मूल्यांकन पद्धति को यथावत रखते हुए परीक्षा आयोजित करेगा। यानी कि जो बैठक होने वाली थी किस संदर्भ में होने वाली थी, ब्लू प्रिंट के संबंध में आपकी होने वाली थी, प्रश्न पत्र के संबंध में, तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज थे कि ब्लू प्रिंट है काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो इस संदर्भ में जो आज बैठक होने वाली थी उसमें क्या निर्णय लिया गया है, इस वीडियो हमको आपको बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं जो एमपी बोर्ड के द्वारा आज जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया, जो कि आप चाहे तो देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एपी के ट्विटर हैंडल पर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस बैठक में क्या फैसला लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मुद्रण ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति में नहीं होगा कोई परिवर्तन। यानी कि जो आपका ब्लूप्रिंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रश्न पत्र के मुद्रण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा पर 2021 के लिए पूर्व वर्षों के अनुसार ही प्रश्न पत्र मुद्रण ब्लूप्रिंट एवं मूल्यांकन पद्धति को यथावत रखते हुए परीक्षा आयोजित करेगा। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से इस सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। ठीक है, तो नियमित कक्षाओं में पूर्ण उपस्थित न होने के कारण सभी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2021 की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में प्रेशर ब्लू प्रिंट और मूल्यांकन पद्धति को पिछले वर्ष की बात ही रखने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बैठक हुई था उसमें यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो यही था जो आज का फैसला कि आपका जो ब्लू प्रिंट है वो क्या है, आपका पुरानी पद्धति के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन क्या है बोर्ड स्टूडेंट आप हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कि क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज थे कि ब्लू प्रिंट में फिर परिवर्तन होगा, क्योंकि आज बैठक होने वाली थी तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि क्या जो बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि कोई जो निर्णय लिया गया है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।